कि मुझे अभी इतनी नींद आ रही थी कि मुझे मैं जल्दी से उठी, मैं कहा कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। मैं जावेर से जो है वो छुप के निकली हूँ। ये क्या किया है? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबका? आप सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज बच्चों के स्कूल में है पीटीएम, मतलब मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना है बच्चों के स्कूल में। आज इनकी फर्स्ट पीटीएम है न्यू स्कूल की, तो ये भी देखेंगे कि कैसा इनका जो है वो चल रहा है, कैसे जा रहे हैं बच्चे, ये भी पता चलेगा। तो बस अभी मैं उठी थी और ये देखिए कमरे का हाल। आज मैं यहाँ पे सोई हूँ बच्चों के कमरे में, क्योंकि एक तो मैं बच्चों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि वो अपने रूम में शिफ्ट होए, और क्योंकि अब आगे सर्दियाँ हैं तो मैंने कहा चलो दोनों जो है ना, दोनों भाई अपने कमरे में सो। तो अभी वो जावेद की वजह से ना मुझे यहाँ पे सोना पड़ता है। तो एक वजह ये भी है और दूसरी वजह ये है कि हमारे कमरे का हो गया है पंखा ख़राब, तो इस वजह से भी जो है ना वो अधी लगाते हैं एसी, तो मुझे जो है वो एसी से तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। तो मैं ना मैंने कहा मैं इधर ही सो जाऊंगी बच्चों के साथ, तो मैं जो है वो आज इधर सो रही हूँ। मतलब दो दिन से ना मैं यहाँ पे सो रही हूँ बच्चों के साथ ना। तो खैर बस अभी उठी थी मैं, क्योंकि जो है ना इनकी पीटीएम है 11 बजे, मतलब टाइम स्लॉट दिए हुए हैं, तो मैं जो है वो लेट उठी थी। हालांकि मुझे अभी इतनी नींद आ रही थी कि मुझे मैं जल्दी से उठी, मैं कहा कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो बस अब नाश्ता करते हैं, पहले तो मैं ये कमरा शमरा सीधा करती हूँ, तो इतनी देर में नाश्ता बन जाएगा, नाश्ता करते हैं और फिर कपड़े भिस्ती करने रेडी होते हैं। तो चलिए चलिए, भी कमरा हो गया है साफ। ये देखें जी, साफ साफ कर दिया मैंने और संभाल दिया है, बस ड्रेसिंग वगैरह वो बाद में कर लूँगी। तो मैं अभी जो है वो चल के, ये देखो जरा वॉशरूम गया, निकल पहनो शावश, अब मैंने संभाला ना अभी तो लेके जा रहा दादी कमरे में। अच्छा अब करते हैं जी कपड़े प्रेस चल के, चलो कपड़े इस्त्री करें जल्दी से। आज मैं सोच रही हूँ ये वाले कपड़े पहन लूँ, ठीक है जी। आज ये ड्रेस पहनते हैं और नीचे ये वाला ट्राउज़र। चलिए अभी नाश्ता भी रेडी हो गया, नाश्ता करते हैं जल्दी से और फिर रेडी होते हैं। तो चलिए अभी नाश्ता मैंने कर लिया था, अब होते हैं रेडी और मैं बस थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करती हूँ जल्दी से। अदील जो है वो सो रहे हैं, अदील नहीं जा रहे मेरे साथ पीटीएम पे, मैं ही जा रही हूँ अकेली। चलो जी रेडी होते हैं। तो चलिए जी मैं रेडी हो गई हूँ, सही है जी, सही लग रही हूँ। ये देखिए बाल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत लेट हो रही थी मैं, तो बस अब चल रहा है। बच्चे पता नहीं, मैं जावेद से जो है वो छुप के निकली हूँ, उसने मुझे देख लिया था। एक्चुअली वो मैं नहीं चाहती उसको लेके जाना, बहुत तंग करता है। मैंने अरशमान की भी मीटिंग अटेंड करनी है अपनी, है वो इसकी भी अटेंड करनी है, तो फिर ये मुझे बहुत तंग करता है, वहाँ पे भाग जाता है। तो इस वजह से मैं इन दोनों बच्चों को नहीं लेके जा रही ना। तो वो ना अंदर से मुझे देख रहा था, उसे शक हो गया था कि कहीं जा रही है, शुक्र है ऊपर चला गया सीढ़ियों से। अब मैं गाड़ी में बैठी हूँ यार, बच्चों से छुप के निकलना भी ना एक बहुत ही बड़ा, ये सीट इतनी ऊपर हो गई। चले जी पहुंच गई हूँ मैं, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं बच्चों ने क्या क्या गुल खिलाए। लेट्स गो। तो चले जी मैं आ गई हूँ फाइनली मीटिंग अटेंड करके, और जो है ना मुझे 2 घंटे हो गए इनकी मीटिंग्स अटेंड करते हुए, क्योंकि अरशमान की तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होती हैं, उनसे भी मिलना होता है। तो जावेद की तो खैर एक ही है, लेकिन ये कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, पढ़ाइयों में भी सब ठीक है। तो बस जैवी शरारती बहुत है, बस उसकी एक ही शिकायत आएगी कि वो बहुत शरारती है। और दूसरा मेरा बड़ा बेटा वो उतना ही जो है ना वो मासूम है, और उसकी ये शिकायत नहीं आती कि वो बिल्कुल भी शरारती नहीं है, वो बहुत बोला है। तो बस मैंने कहा एक एक की जगह क्या सुनना पड़ता है, एक का क्या सुनना पड़ता है। तो बस इसी तरह से जो है ना थी 2 घंटे की मीटिंग आगे पीछे जा जाके। तो बस अब घर चलते हैं, एक हो गया तो बस अब घर चलते हैं।
चलो जी, घर आ गई मैं और घर आके मैंने दिल को बताई सारी बात, अम्मी को बताई सब बच्चों का क्या क्या कह रहे हैं। तो अब करते हैं जी कपड़े शपड़े चेंज, उसके बाद नहाते हैं बच्चों को क्योंकि बच्चे हो रहे हैं गंदे और उनको मैंने शावर भी देना है अभी, और दोपहर होगी हुई है अभी, मैंने बच्चों को शावर भी नहीं दिया। और बस अब कपड़े चेंज करते हैं, अपनी असली हालत में आते हैं जो हमारी हालत होती है। ये क्या किया है? ओ गॉड, माय गॉड, क्या लिखा हुआ है? पूरा बैठ के तसल्ली से, वो गेट का लिखा हुआ है। ये क्या किया है? ये क्या लिखा हुआ है? ये 1 इज इक्वल 3 माइनस 1 2 हैं, ये 11। ये तो सेवी, इस पे क्यों किया आपने? ये आपका बोर्ड है? मतलब ये वो स्कूल है। ये स्कूल है? अर्शमान आपने नहीं देखा पहले? अभी अभी देखा। या खुदाया, मुझे हाथ निकाल, गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो, हंस रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? और ये क्या किया इसने? मैंने बदबू लाया, बंदा मैं खुद भी बदबू में आई है। एक बंदा नहीं, आपने बहुत सारे बंदे बना दिए सुकून से बैठ के, तसल्ली से कुर्सी पे बैठ के काम हो रहा है। ये देखो मुझे, मुंह से तो हाथ निकालो। आपने काम करना था तो बोर्ड पे करना था ना, कॉपी पे करना था ना? कॉपी? हाँ कदर? किधर क्या मतलब, इतनी सारी कॉपीज पड़ी हुई है। कॉपीज? हाँ बोर्ड में करना है। ये बोर्ड है? ये वॉल है? नहीं बोर्ड है। ये देखो नीचे तक इधर पता नहीं क्या क्या बनाया है, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी लड़की बनाई। हंसने की बात नहीं होती है डुड्डू, आओ मैं आपको कॉपी देती हूँ, कॉपी पे बैठ कर करना। वॉल पे नहीं करते पता है ना आपको, ये बोर्ड में करते हैं। हाँ जी, फिर इधर दो पहले। नो, वो मेरी है। यार ये इसने क्या किया, सारा खराब कर दिया दीवार। मैंने ये सारी वॉल्स जो है ना इनको साफ किया था, और मतलब सारी इसमें पहले भी जब छोटा था ना इसमें लगाती थी लाइनें शाइनें, तो मैंने सारी दीवारें दीवारें शिवारें सारी साफ की थी। तो ये जो एक वॉल थी ना ये नहीं साफ हो रही थी, ये जो है ना इसने मार्कर लगा दिया था, और मार्कर जो है ना वो एक तो उतर नहीं रहा था, ये परमानेंट मार्कर लगा दिया इसने। दूसरा ये मैं जो साफ करी थी ना तो वो नीचे से सीमेंट निकल रहा था, क्योंकि एक दफ़ा ऑलरेडी मैं साफ कर चुकी थी, साफ करने के बाद इसने लगाया था। हाँ सारे ढूंढो इसमें पड़े हुए हैं। हाँ जी आप ढूंढे ना, यहाँ पे ही हैं पड़े हुए सारे, मैंने तो इधर ही रखे थे, आपने घुमा दिए हैं तो वो अलग बात है। मैं भी कहूँ थोड़ी देर सुकून कैसे आ गया इधर, कि मैं आराम से बैठी टीवी देख रही हूँ और जो है ना सुकून कैसे आ गया ये नहीं पता, वहाँ बैठ के काम हो रहे हैं उल्टे सीधे। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी आदत छुड़वाई थी कि वॉल्स पे नहीं लकीरें वगैरह डालते ना, तो नहीं डालता था। अब मैं आपकी सारी पेंसिल ले लूँ आपसे? क्यों? क्योंकि आपने ये बड़ा गलत काम किया है जो आपने उधर सारी वॉल पे लिखा है। अब सारी पेंसिल ले लूँ आपसे? सारी पेंसिल कलर ले लूँ आपसे? हाँ जी ले लूँ। चलो ठीक है, ये सारी मैं ले लूँगी और दे दूँगी। अभी तो शुक्र है इसने ये पेंसिल से बनाए हैं, अब इसको साफ़ करते हैं। और ये मैंने यहाँ से किए साफ हो गई है, इसको साफ करते हैं। अभी बैठ के मैं यहाँ पे सारे साफ करती हूँ। शुक्र पेंसिल से, किसी मार्कर से नहीं बैठ के बनाता रहा। हाँ साफ करो, ऐसे साफ करते हैं। पकड़ो इसको, साफ करो, पकड़ो ऐसे, देखो ऐसे करते हैं साफ।
हाँ करो शाबाशी। ये मैंने इतना तो कर लिया साफ, अभी बाकी साथ मेरे साथ जेवी भी करेगा सफाई जो कारनामा अंजाम दिया है। या बिल्कुल उसका एक्सीडेंट हो गया भाई। ओह वो एक्सीडेंट हो गया उसका। उसके उसके एक्सीडेंट हो गया। चलो आप साफ करो ना, ऐसे 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 करके ये देखो भी मम्मा करी ऐसे। गुड गुड बॉय। साफ कर दिया मैंने अभी, ये देखें सारा साफ हो गया ये जगह। अब ये इस तरह से साफ हो रही है, ये वाला एरिया ये साफ नहीं हो रहा। मेरी रेजर ही ख़त्म हो गई है, नीचे चेक करो सारा गन मेरे ऊपर भी और ये सारा इधर भी। बस इतना ही साफ हो रहा है, अभी तो बाद में करूँगी सही तरह साफ। तो चले जी, अभी हमने अशमान को छोड़ा है स्पोर्ट्स अकेडमी में, फुटबॉल अकेडमी में, और जैवी जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है मैंने भी जाना है। पर आपको तो नींद आई हुई है, आप थक जाते हो, उस दिन भी गए और रोने लग गए। नहीं थकते आप नहीं। तो गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी ना। अशमान को फुटबॉल अकेडमी में करवाया, मैंने कहा चलो तुम जरा ना थोड़ा सा जो है ना एक्टिव रहेगा। तो अब लेकिन इसका मसला बना हुआ, ये कहता है जी मैंने भी जाना है। और ये उस टाइम सो जाता है, अभी तक ये सो जाता होता है, वरना फिर सुबह स्कूल के लिए उठता नहीं है, इस वजह से इसको नहीं करवाया। तो ये अब हर रोज़ रोता है कि मैंने भी साथ जाना है। और गया भी है और फिर थक जाता है और फिर रोता हुआ वापस आ जाता है, कहता है चलो घर चलो मैंने घर जाना है। तो लेकिन फिर जिद भी करता है कि मैंने जाना भी है, खेलना भी है। अभी मामा के साथ जाएगा ना सैर करने, है ना? नहीं जाएगा? नहीं। नीनो नहीं आई आपको? नहीं। अच्छा चलो, दो दिन में करना मान जान दी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? आपने तो देखा ही नहीं ना। नहीं। साफ कर दिया मैंने वो सारा। बस अब अशमान इधर आएगा तो हम अभी पानी भर रहे थे साथ, इधर पानी भर लें। अच्छा पानी भर लेना फिर जाएंगे, ठीक है। अभी जी जैवी को हमने लेके दिए हैं डोनट्स, जैवी गिरा रहे हो, जैवी खाएगा डोनट्स और साथ में ये भी ले लिए हैं जी। आप खुश हो? क्या कॉम्बो है, कॉम्बो क्या कॉम्बो है जी, साथ साथ चीज वाले चिप्स और साथ में डोनट। जनाब ये भी खा रहे हैं, मेरा ये तीन ही पड़े हुए थे उनके पास, तो मैंने तीनों ले लिए। तुम खाओ वो मुझे। अच्छा आपने तो खाया नहीं, जैसे मैंने तो चखा है बस। चक्का तुम लोगों देने से पहले के सही है कि नहीं है फिर तुम। अच्छा जी चले जी, अशमान को हमने ले लिया है फुटबॉल एकेडमी से। अशमान मजा आ रहा है आपको फुटबॉल खेलने का? अभी डोनट खा रहा है और ये जनाब साहब सो गए हैं। हम एक दो काम थे, हम वहाँ चले गए, काम शाम किए, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करते रहे। हमने कहा चलो अभी छुट्टी हो जाएगी, अब क्या घर जाना फिर वापस आना, तो फिर हम गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। तो फिर इसको छुट्टी हो गई तो हम लेके अब इसको घर आ रहे हैं। तो दिल शॉप पे गए हुए हैं बच्चों का दूध लेने, सो जाओ। बेटी क्या लाए हो? दूध लेकर आए हो? दूध लेकर आए हो, कुछ और भी लग रहा है यार। वो लेके आया हूँ, कौन खाएगा? मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ, एक अपने लिए। तो बस जी उधर से वापस आके खाना खाया और बच्चों ने खाना खाया, अर्जा तो पहले ही सो गया था, अशमान ने खाना खाया और जो है ना हमने खाना खाया। बस अभी खाना छाना खा के अब मुझे नींद आ रही है, मैंने अपना मेकअप वगैरह उतारा, सुबह का मेकअप ही नहीं उतारा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो क्या करती हूँ एंड।
तो आई होप मैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना ही लाइक करते हो वीडियो को, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को, तो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ और जो है ना आप लोगों को मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए काम करने में। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।